हेलो बच्चों, आज 12th क्लास के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की आखिरी क्लास है। इसके बाद अगर आपके डाउट्स आते हैं तो फिर मैं उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वो भी वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, तो हम कुछ सिलेक्टेड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हाँ जी, हमसे कोई क्वेश्चन छूट गए हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, अगर आप लोगों के स्कूल में ऐसी बात हो रही है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों को बना के प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं वो सारे क्वेश्चन अभी कवर करूंगा जो एग्जाम में आने लायक हैं और आ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर हमारी वेबसाइट पर आना शुरू करेंगे। अभी तक तो फिलहाल हमारा ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिला, इसके बाद हमारी अपनी खुद की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा, जिसका आपको इस पे आना है, हमारे वेबसाइट पे आना है आपको, WASPSTDY, वास्प स्टडी डॉट कॉम। बच्चों इस पे आना है, और आते ही आपको सबसे ऊपर वाले पेज पे ही लॉगिन के लिए कंडीशन दी जाएगी, और आपको वहां पे लॉगिन करना है। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाए, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप वहां से सारी वीडियोस को, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, टाइम टू टाइम देख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे बात कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे सामने, और आपसे कहा गया कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड एक्स। ठीक है बच्चों, अब जब आप एक्स फाइंड करेंगे बच्चे, तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में चलता है कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं, और चलना भी चाहिए क्योंकि हमें दिख रहा है बच्चों। अब जब हमें ये चीजें दिख रही हैं, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी दो कंटेंट को पकड़ो, या तो आप इन दो को पकड़ लो, या तो आप इन दो को, किसी भी दो को आप यहां पे रख के आप क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपने पीछे की बेसिक क्लासेस में सीखा है। तो मान लीजिए मैंने इन दो को उठाया, इन दो को, ठीक है जी, इन दो की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी फिलहाल। कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वन को वन से, प्लस टू को टू से, फोर प्लस वन को किससे, वन से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वन को टू से, टू को जीरो से, वन को जीरो से, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो प्लस टू प्लस टू, ओके बच्चों, और देन ये तो साथ में चले गई। ठीक, अच्छा, इसको सॉल्व करने में मिला हमें सिक्स टू फोर, और ये जीरो टू एक्स। अच्छा, अब ये कैसा लग रहा देखने में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस खत्म कहानी। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसा बनेगा ये, सिक्स को जीरो से जीरो, टू को टू से फोर, फोर को एक्स से फोर एक्स, और ये बराबर क्या है, जीरो। तो यानी क्या मैं इसको जीरो के बराबर लिख सकता हूँ बच्चों, और अगर लिख सकता हूँ तो बस क्लियर होगी बात भाई, फोर उधर जाएगा, माइनस का फोर से फोर कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू -1। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने इस तरीके से है। अच्छा, हो सकता है कई बुक्स, ये हो सकता है बुक्स में कुछ ये ऐसे मैट्रिक्स के टाइप में दिया हो, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, अगर मैट्रिक्स के टाइप में भी दिया है तब भी आप यहां पे जीरो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, इसको कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। ठीक, चलिए बच्चों, अब अगर मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 8, वो बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे आपने सेटिस्फाई वाले क्वेश्चन किए थे, ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 7 आई, सॉल्व कीजिए, एक
ए मैट्रिक्स आपको पहले से ही गिवन है, तो आप पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे फिर उसको सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल जैसे पीछे की एक्सरसाइज में था वैसा ही क्वेश्चन है। एट्थ नाइन्थ सेम यही क्वेश्चन है, नाइन्थ आपका सेम यही क्वेश्चन है, डाउट आए तो बताइएगा। ठीक, टेंथ अभी मैं थोड़ी देर में करा रहा हूँ, उससे पहले आप इलेवंथ कराने जा रहे हैं, तो जरा इलेवंथ क्वेश्चन देखिए पहले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इलेवंथ क्वेश्चन, इलेवंथ क्वेश्चन देखिए। इलेवंथ क्वेश्चन क्या है, आपको ये दिया गया है एक एक्स मैट्रिक्स, और इसके साथ में दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 -9 और बच्चों 2 4 6 2 4 6, और आपसे कहा गया एक्स मैट्रिक्स को फाइंड कीजिए, एक्स मैट्रिक्स को फाइंड कीजिए। अच्छा, अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है स्किप कर देते हैं, कह रहे क्या लेट करें भाई, एक्स कौन है, अब तक तो चलो ठीक है एक्स जो था वो इस मैट्रिक्स के अंदर था तो बड़े आराम से सॉल्व कर देते थे, लेकिन अब एक्स बाहर है तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अपना इसको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो जब हमें कुछ ना कुछ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट किया जाता है। ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आ जाए तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, लेकिन एज पर सिचुएशन, क्या देख के, रोज देख के। हमें साफ दिख रहा है भाई रो में कितने 2 रो हैं, ठीक है, और एलिमेंट भी 2-2 का पेयर बना रही, तो हमें 2 क्रॉस 2 का चाहिए होगा। अगर ये और आगे बढ़ा होता और ये नीचे जा रहा होता तो हम शायद हो सकता है 3 क्रॉस 3 का भी ले लेते, लेकिन आपको 2 क्रॉस 2 से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, और क्या लेट करेंगे कि एक्स जो है वो आपका ए बी सी डी एक 2 क्रॉस 2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक्स की जगह पे इसको पुट कर दीजिए ए बी सी डी, और साथ में यहां पे 1 2 3 है ही, 4 5 6 है ही, बराबर -7 -8 -9 2 4 6। और मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मल्टीपल करते चलना है और आगे बढ़ते चले जाना है। समझ में आ रही बात सभी बच्चों को, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए प्लस 4b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मुझे इन, मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी बच्चे को ये कहें कि सर आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है किस, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप सभी बच्चों को ये फटाफट करते चलना है बस 3a, और जिनको अभी भी डाउट है तो लास्ट क्लासेस देख सकते हैं, वो पिछली की जो भी क्लासेस, 6b, c, 4d, 2c, 5d, 3c, 6d, -7 -8 -9 2 4 6। अब हो गया काम खत्म, इसमें कोई खास काम करना ही नहीं था, करना क्या था, अरे भाई इसको इन इन सबको इनके आपस में इक्वल इक्वल कर लो, ए प्लस 4b बराबर -7, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, अच्छा 2a प्लस 5b बराबर -8, इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, 3a प्लस 6b बराबर -9, ठीक है जी, इसको मैं और भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लूँ तो a प्लस में 2b बराबर माइनस का 9 है, तो कैंसिल आउट 3, तो a प्लस में 2b बराबर -3, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना थोड़ा, ठीक है, और ये नीचे वाले c प्लस में 4d बराबर 2, इक्वेशन 4, और 2c 2c प्लस 5d बराबर 4, इक्वेशन 5, और 3c प्लस 6d बराबर 6, 3 कॉमन लेंगे, c प्लस में 2d बराबर 6, कैंसिल आउट 2, ठीक है, तो c प्लस 2d बराबर 2, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है बच्चों, तो ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो आसान आसान लग रहा है हमें वो सॉल्व करेंगे, एक तो मुझे भाई फर्स्ट आसान लग रहा है, एक थर्ड आसान लग रहा है, तो हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, ठीक है, और प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब आप एलिमिनेशन मेथड
अपने पिछले जन्म से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और आपने यही सीखा है कि भाई जब हमें इस टाइप का कुछ भी दिख जाए तो हमारा कर्म बनता है कि हम फटाफट इसको सॉल्व कर दें। और कैसे करेंगे, अगर दोनों सेम है तो बस साइन अपोजिट करना है और लग जाना भाई काम पे। ए से ए कैंसिल आउट, 4 में 2b गया कितना बचा, 2b माइनस माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस का 4, कैंसिल आउट 2, तो b की वैल्यू देखो माइनस 2 आपके सामने आ गई। पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस 4b बराबर माइनस 7, तो बच्चों a प्लस 4b की वैल्यू माइनस 2, तो ये आ गया a माइनस 8 माइनस 7, तो 8 उधर जाएगा प्लस का 8, a की वैल्यू 1। अच्छा क्लियर हो गया, a 1 आ गया, b माइनस 2 आ गया। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चों। और जब सॉल्व कर दोगे तो आपके पास a b c d चारों चीजें आ जाएंगी, इसमें पुट कर देना, मैट्रिक्स आपके लिए तैयार, कोई दिक्कत, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना, c और d आ जाएगा, तो आपके पास a b c d चारों आ गए, इसमें पुट करना, आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत। तो आपको अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a जो है आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इसके बराबर है, और कह रहा है सच दैट, अगर मान लीजिए ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सिंपल, अरे भाई पहले ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर बोला है कि भाई आई के, तो हम पहले ए स्क्वायर को सॉल्व करते हैं ना, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए करो, ठीक है, या ए डॉट ए लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो ए की मल्टीप्लाई ए से कीजिए, जरा करना मल्टीप्लाई करो बच्चों जरा इसको, और आई तो आपको पता ही है कौन है, 1001 यही होता है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हाँ जी, बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा का स्क्वायर बराबर 1001। अब मुझे तो इतना पता, ये भी कटपिटा के भैया जीरो ही बन जाएंगे, है ना, तो क्या बने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1001। चलिए अब कह रहा है कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो सॉल्व करो, चलो भाई एक बार ये कंपैरिजन में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, और एक बार आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर मैं इस 1 को उठा के इधर ले आता हूं तो माइनस का 1, क्या ऐसी कोई भी सिचुएशन यहां पर बन रही है भाई, देखो ये तो प्लस के तो है लेकिन भाई 1 माइनस का नहीं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन नहीं बन रही। अच्छा इसमें भी अगर मैं 1 उठा के ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी अगर मैं इसको ये उठा के इधर ले आता हूं तो ये तो वही केस बन जाएगा फिर से, तो एक काम करो इसको उठा के उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, हाँ जी बन रही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ये देखना था, ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा सिंपल सरल सा क्वेश्चन है, इसको उतारिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों 14th क्वेश्चन मिसलेनियस का एमसीक्यू है ये भी, ठीक है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, कोई ए मैट्रिक्स आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यही लिखा है ना, यही लिखा है कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो बताइए ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या कहा मैंने कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताइए कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा। अरे सिंपल सी बात भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है जो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, यही सीखा था। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है जो उसके ट्रांसपोज के माइनस वाले हिस्से के बराबर होता है, याद आया कुछ,
मैंने आप लोगों को ये कहाँ पे सिखाया था, जब मैंने 3.3 में आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक करा रहा था, तभी बताया था मैंने कि भाई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके किसके बराबर आ जाए, माइनस वाले हिस्से के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, तो ये इसके इक्वल है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मान लो ये इसके इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि ये भी ट्रांसपोज के बराबर है और ये भी ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। अब माइनस का ए इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का इधर क्या रह गया, जीरो। ये आ गया 2a, 0, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है भाई, ये 0 मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक हो तो प्यारे बच्चों वो कैसा मैट्रिक्स होता है, वो 0 मैट्रिक्स होता है। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब तक कोई टीचर जल्दी से नहीं कराता था, मैं भी नहीं कराता था, और कुछ टीचर्स कराते भी थे, ठीक है। तो इनको कराने का पहले मकसद ये होता था कि ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए जाते, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब बच्चों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब हो क्या रहा है, अब आपके बोर्ड के पेपर में ही ये क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि आपको शायद पता चल चुका है कि जो अभी पिछला सेशन गया है उसमें MCQ के 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसलिए कौन से क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10 15 20 जो भी क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें सारे करने जरूरी है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कराने जा रहा हूं, वो भी देखिए आप। तो प्यारे बच्चों आपके सामने ये एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि जो प्यारे बच्चों ए है ना, ए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ए स्क्वायर ए के बराबर है, जिसका ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। अरे थोड़ा सा ना ये ब्लर भी हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना बच्चों, क्योंकि दिक्कत आ गई है थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या बताने जा रहा था मैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर ए के बराबर है, और आपको ये कंडीशन दे दी गई है, कह रहा है भाई इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, ठीक है। लीजिए भाई सॉल्व करते हैं, उठाइए इसको, इसको ले आइए भाई, आई प्लस में ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो नकली सा क्वेश्चन है भाई, ये तो साफ हमें अपना बचपन याद आ गया, 9th क्लास, ए प्लस बी का होल क्यूब याद आया कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 7a। अब बस ये चीज तो हमें दे ही रखी है, तो भाई जब ए स्क्वायर ए के बराबर है तो हम तो छोटा करना ज्यादा पसंद करेंगे ना, कि भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी छोटे छोटा हो जाए और आंसर आ जाए, तो बस जहां जहां ए स्क्वायर दिखे वहां ए लगाते चलो, बात खत्म। अच्छा, आई का क्यूब भाई आई ही होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तुम चाहे स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, वो वापस आई बन जाएगा। अच्छा, ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकता हूं, आई स्क्वायर मैंने बता दिया आई ही होगा, ए प्लस 3 आई, ए स्क्वायर है ही किसके बराबर, ए के 7। हाँ भाई, ए स्क्वायर किसके बराबर है, अभी अभी बताया ए के, तो ए डॉट ए प्लस, हाँ जी 3 आई ए तो होता ही ए है, पहले सीख चुके हो, 3 आई ए होता ही ए है, माइनस 7 ए। अच्छा अगला, आई प्लस में ए ए ए स्क्वायर 3 3 6 ए माइनस 7 ए, हाँ जी, और अभी अभी बताया ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, हमारा काम बन गया भाई, 6 और 1 7 ए माइनस 7 ए कैंसिल आउट आई, आंसर इज दिस। तो यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, आई के बराबर है, किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आपको ये फटाफट सॉल्व कर देना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ना है, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अब MCQ टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा इसकी कल्पना करना अभी थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस टैकल करो, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ये लिख के दिया है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एक्स वाला कराया था जिसमें आपने स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग बनाया गया है, ठीक है। तो मुझे ए निकाल के दिखाइए सभी बच्चे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और जिसका भी आंसर आएगा उसे एक एन पेन लीजिए, ठीक है। तो आप इसे कवर कीजिए और दिखाइए मेरे को नेक्स्ट क्लास में कि हाँ कैसा इसका आंसर आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। फिलहाल
अब मैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं जिसमें आपको ना एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, ठीक। ये शायद क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। इसकी वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको किस तरीके से दी गई है मैं बताता हूं आपको, ठीक। इसमें इसमें आपको ये बताया गया है कि लीजिए आपके पास दो मार्केट है, फर्स्ट सेकंड, और प्रोडक्ट है आपके पास एक्स वाई जेड। पहली मार्केट में, पहली मार्केट में भाई देख लो, ये इतने इतने प्रोडक्ट जा रहे हैं, 10,000 प्रोडक्ट, 2,000 प्रोडक्ट और 18,000 प्रोडक्ट। कौन कौन से? पहली मार्केट में एक्स के 10,000 प्रोडक्ट, पहली मार्केट में वाई के 2,000 प्रोडक्ट और पहली मार्केट में जेड के 18,000 प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड मार्केट में एक्स के 6,000 प्रोडक्ट, सेकंड मार्केट में वाई के 20,000 प्रोडक्ट और सेकंड मार्केट में जेड के 8,000 प्रोडक्ट भाई क्या है जा रहे हैं। अब ये जाए, जब जाएंगे वहां पे तो भाई वहां पे सेल होने के लिए कुछ कुछ ना कुछ रुपीज में तो बिकेंगे ही। अब अगर कह रहा है कि भाई हम इतने इतने रुपए में इनको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो बताइए इनका प्रॉफिट क्या जाएगा, ठीक है। तो भाई हमें इसके बारे में प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए इन्होंने बोला केस नंबर फर्स्ट, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसके केस नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आर 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज, 1 रुपीज, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो चलिए भाई, अगर एक्स प्रोडक्ट को 2.5 रुपए में, ठीक है, एक्स यानी हमें निकालना है बच्चों रेवेन्यू, निकालना है हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू, और यूनिट प्राइस, और यूनिट प्राइस हमें दे रखा है भाई एक्स के लिए, एक्स वाई जेड, एक्स के लिए दे रखा है 2.5 रुपए, वाई के लिए दे रखा है 1.5 रुपए, जबकि जेड के लिए दे रखा है 1 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई इसका रेवेन्यू निकालो, तो रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा भाई? रेवेन्यू निकाला जाता है प्राइस इनटू में प्रोडक्ट। कैसे निकाला जाता है? प्राइस इनटू में प्रोडक्ट, ठीक है। या जैसे आपका ये पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट इनटू, और यहां हमने क्या ले लिया, प्राइस, और हमें निकालना क्या है, रेवेन्यू, ठीक है जी। रेवेन्यू को आर से डिनोट कर लो। प्रोडक्ट आपका कितना है भाई? प्रोडक्ट है आपका पहली मार्केट का 10,000, दूसरी मार्केट का, ओ सॉरी, पहली मार्केट का वाई 2,000, पहली मार्केट का जेड 18,000, दूसरी मार्केट का एक्स 6,000, दूसरी मार्केट का वाई 20,000, दूसरी मार्केट का जेड 8,000, ठीक है जी। ये हो गया, और अब इसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों। करना जरा मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पता ही है, करेंगे 2.5 से कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 1 0 शिफ्ट 2, 2,500 प्लस, अब यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 2,000 है, 15 × 2 = 30, तो ऐसे ही, और 1 0 हट जाएगा तो ये आ गया 300, ठीक है, प्लस, सॉरी गड़बड़, 3,000, ठीक है, 15 × 2 = 30, 3 0, ठीक है, गड़बड़, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, तो कितना आ गया भाई, 10,000 का 2.5 गुना, अरे क्या कर रहा हूं यार मैं भी, 25,000, और 2,000 का 1.5 गुना 3,000, और 18,000 का 1 गुना 18,000, 6,000 का 2.5 गुना कितना हो गया, 6 12 3 15,000, ठीक है, और 20,000 का 1.5 गुना कितना हो गया, 30,000, 3 लाख हो गया ये, 1 2 3 4 0, ठीक है, और अगला 8,000 का 1 गुना 8,000, ऐड करना प्यारे बच्चों, रेवेन्यू पता चल जाएगा दोनों मार्केट का, हाँ जी, तो 25,000 और 18,000 कितने होते हैं, 25 और 18, ये हो गया आपका 25 3 28 और 18, 28 और 18 हो जाते हैं आपके 46,000, और 15 और 30 कितने हो गए, 45 और 8, 53,000, कितना आ गया, 53,000, तो ये पहली मार्केट का और ये दूसरी मार्केट का। तो उसने क्या बोला है, दोनों मार्केट का कुछ ऐसा पूछा है उसने, ईच मार्केट का वो बताओ, हाँ जी, तो भाई पहली मार्केट कितने में, कितने की सेलिंग हुई, 46,000 की, दूसरी मार्केट में कितने की सेलिंग हुई, 53,000 की, ठीक है। चलिए अब आता है भाई सेकंड टाइप, सेकंड में पूछा गया आपसे
कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री प्रोडक्ट आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताइए कि इसमें इसे प्रॉफिट कितना हुआ है। किसने क्या पूछा है, तो बताइए इसमें इसे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा है, आपसे प्रॉफिट पूछा गया है। भाई देखो, रेवेन्यू जो चीज होती है ना, आपको मैं एक बात कहूँ, रेवेन्यू जो चीज होती है, रेवेन्यू में क्या हिसाब किताब है कि आप कोई सामान खरीद के लेकर आओ, ठीक है, सिंपल सी एक बात समझना, ठीक, आप कोई सामान खरीद के लेकर आओ, सामान आप मान लीजिए लेकर आए 10 रुपए में, ठीक है, 10 प्रोडक्ट लेकर आए, ये पेन मान लीजिए, पेन ले लेते हैं हम, ये 10 पेन आप 10 रुपए में लेकर आए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने किया कि इन्हीं 10 पेन को आपने 15 रुपए में बेच दिया, इसी 10 पेन को जो 10 रुपए में लेकर आए थे, आपने इस 10 रुपए के 10 पेन को, ठीक है, आपने 15 रुपए में बेच दिया सारे पेन को मिला के, यानी 10 पेन आपने कितने में बेचे, 15 में, जबकि खरीदे कितने थे आपने, 10 में। मेरी बात समझ में आ रही है, आपने जब 10 पेन खरीदे तो खरीदे 10 में, लेकिन जब ये 10 के 10 पेन बेचे आपने तो कितने में बेचे, 15 में। तो अब एक बार बताओ आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। क्यों हुआ 5 का, क्योंकि भाई इस 15 रुपए में आपके 10 रुपए तो वही है ना जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपको जो प्रॉफिट हुआ आप वो तो क्या कर रहे हो, उस 15 रुपए में से अपना जो आपने लगाया था वो माइनस कर दिया, और जो नहीं लगाया था जो आपको एक्स्ट्रा मिला वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बस बच्चों ये रेवेन्यू जो है ना, ये पता क्या है, ये आपका लगाया हुआ पैसा और प्लस प्रॉफिट पैसा दोनों है, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आपको जो सेकंड कंडीशन दी गई है ना वो यूनिट कॉस्ट दी गई है कि एक का खर्चा इतना आया ही आया है, तो मतलब उसकी वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस करना है। आंसर आपके सामने, ये लो। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट भी क्या होता है, प्रोडक्ट इनटू प्राइस ही होएगा, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, और बच्चों यूनिट प्राइस आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, 50 पैसे बोले तो आधा रुपए, ठीक है। चलिए जरा निकालना, कॉस्ट निकालो सबका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यही क्या बनेगा ये जल्दी बताओ, 10,000 का दुगना 20,000, 2,000, 18,000 का आधा 9,000, फिर 6,000 का दुगना 12,000, 20,000 सिंगल 20,000, 8,000 का आधा 4,000, हाँ जी, तो 20 और 9 29 और 2 31,000, और ये 12 और 20 32 और 4 36,000, ठीक है जी। ये आ गई भाई दोनों मार्केट में लगने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट, क्या आ गई, कॉस्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट निकलता है तो कैसे निकलता है, कितना कितना खर्च हुआ भाई, पहली मार्केट में 46,000 खर्च हुआ, दूसरी मार्केट में 53,000 पूरा हमें खर्च वर्च होके सब कुछ, ये था हमारा रेवेन्यू। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट सारे पड़े, पहले मार्केट के सारे प्रोडक्ट हमें 31,000 के पड़े, दूसरे के सारे प्रोडक्ट हमें 36,000 के पड़े, कितने के पड़े, 36,000 के। तो बताइए प्रॉफिट कितना है, तो 46,000 और 53,000 कितने होते हैं भाई, 99,000 होते हैं, सही बात है, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, और उसके बाद 31 और 36 कितने होते हैं, 60 और ये 67,000, ठीक है जी, इतने होते हैं। तो 0,0,0, 9 में 7 गया 2, 9 ये 32,000, तो यानी उनको ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों, 32,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो है दोनों मार्केटों में तीनों प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उन्हें कितने रुपए का फायदा हुआ बच्चों, 32,000 रुपए का फायदा हुआ। तो इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आप लोगों को तकरीबन 100 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, और उन सभी क्वेश्चनों को बच्चों आपको बड़े अच्छे से करना है, और जो भी डाउट रहे उसे मार्क करके मुझे सेंड करना है, ताकि मैं उन सभी क्वेश्चनों पर भी एक वीडियो बना सकूं, और उस वीडियो को बनाने के बाद वो सारे के सारे जितने भी आपके डाउट होंगे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे,
और फिर ये थर्ड चैप्टर में कुछ भी खास नहीं बचेगा, क्योंकि वो तकरीबन 100-150 क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चनों करने के बाद आप थर्ड चैप्टर के महारथी घोषित हो जाओगे 12th क्लास के लेवल पर, कि हाँ भाई 12th में बोर्ड में इतना ही आता है, इतना कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब वो 100-150 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ठीक। तो इसको भी कीजिए, और जब वो प्रोवाइड होएंगे वो भी कीजिए, ठीक। और सारे डाउट इकट्ठे करके मुझे सेंड कीजिए, फिर हम अगले चैप्टर के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट शुरू करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ही अच्छा यूनिक चैप्टर है, और बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स के साथ।